रखिए अपनी बात। देखिए, बेरोजगारी के मुद्दे पे या भ्रष्टाचार के मुद्दे पे राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि अगर कहीं ना कहीं हमारे बीजेपी प्रवक्ता जो है वो ये आरोप लगाना चाह रहे हैं कि सिस्टम मतलब आयोग में खराबी है, आयोग में खराबी है ये बात हम कबूल करते हैं, परंतु सरकार में भी खराबी है। हम 5 साल से कह रहे हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को वहां से हटाया जाए, जो वहां पे अध्यक्ष पद पे रहते हुए कई परीक्षाओं में जिनके भ्रष्टाचार हो सकता है, जो सचिव वहां पर है उनके रहते हुए कई परीक्षाओं में भ्रष्टाचार हो सकता है। हमने कई दरख्वास्तें दी, हमने कई मांग पत्र दिए कि इनको हटाया जाए, इनके संपत्ति की जाँच हो, परंतु नहीं, उनका सेवा विस्तार उल्टा किया जा रहा है। तो ये भ्रष्टाचार कौन रोकेगा? युवा रोकेगा? ये भ्रष्टाचार तो सरकारों को रोकना पड़ेगा। जो सरकारें उत्तराखंड को चला रही है वो बातचीत पहली सरकारों की है, अभी की सरकारों की हो। इससे पहले 2016 में जब बीपीडीओ भर्ती का घोटाला हुआ, वहां पर तो घोटाला होने के तुरंत बाद वहां के जो तत्काल अध्यक्ष थे आयोग के, उस समय उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। परंतु अभी के वर्तमान पदाधिकारियों को तो ये शर्म नहीं है कि इनके कार्यकाल में रहते हुए 8 से 10 भर्तियां ऐसी हो गई जिसमें लगातार भ्रष्टाचार हुआ है और वो त्याग पत्र देने को तैयार नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि ये जो भर्ती में है ये विशेषज्ञों का हवाला देकर हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के नाम पर भी बहुत बड़ा खेल हो रहा है। यहाँ पर ये पता नहीं चल पा रहा है कि अपने चेतों को कैसे बिल्कुल लीगल तरीके से फायदा पहुँचाया जा रहा है। जो 68 नंबर पे हैं उसको 76 किया जा रहा है, जो 76 पे हैं उसको 68 किया जा रहा है। तो आप ये भी जान सकते हैं कि मेहनती कौन था जिसने ज्यादा नंबर प्राप्त किए थे, परंतु इस प्रकार का भी खेल चल रहा है। और अगर इस पर कमेंट किया जा रहा है कि ये गलत है, तो ये कह रहे नहीं, बिल्कुल सही है। मैं कहना चाहता हूँ कि आयोग के तो ऐसे एक्सपर्ट है जो रीजनिंग का प्रश्न भी गलत दे रहे हैं। अब रीजनिंग का प्रश्न जब किताब में लिखवा कि इस मेथड से सॉल्व होना है, तो आप उससे गलत दे रहे हैं। अब इन पे आरटीआई से जवाब मांगा जा रहा है तो इनके पास से जवाब नहीं आ रहा है, उसमें अपील डाली जा रही है, इनके पास जवाब नहीं आ रहा है, तो इसका निस्तारण कौन करेगा? पर मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो मुद्दा है कि मेहनती छात्रों का होगा क्या, मैं कहना चाहता हूँ मेहनती छात्रों के साथ हमारी भी संवेदनाएं हैं, परंतु अब जैसा सुनने में आ रहा कि 500 लोगों तक पर्चा पहुंचा है, पेपर पहुंचा है, तो ठीक है। अगर देखो होता क्या है कि 80 क्वेश्चन पहले दिन बाहर थे, मतलब 80% पेपर बाहर था, तो ये तो नकल का बहुत व्यापक स्तर हो गया, पूरा पेपर ही था, पेपर लीक का मामला है। इसमें तो गाइडलाइन ये है कि पेपर को पुनर्परीक्षा करके दोबारा पेपर कराया जाना चाहिए, और होता भी अक्सर यही है, क्योंकि इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब दूध और पानी को इकट्ठा कर दोगे तो छंटनी करना मुश्किल है, उसको अलग छांटना मुश्किल है।